जाना है, तुम्हें कोडिंग कोडिंग पसंद है तुम कोडिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें डांस वगैरह पसंद है तुम डांस सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें एक्टिंग वगैरह पसंद है तुम उसमें चले जाओ, मॉडलिंग पसंद है उसमें चले जाओ। बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टू मिडिल लेवल स्टार्टअप्स लाइक अर्बन कंपनी। थर्ड ईयर में हूँ और थर्ड ईयर में बिंदास आती हूँ, बिंदास जाती हूँ, ठीक है। CSE में तो 100% रीच कर चुकी है प्लेसमेंट, बट मंकीज से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को काट भी चुका है ये बंदर मंकी बाइट। Hey everyone, welcome again on my channel, it's Manish. So today I am here at the IGDTUW, which is Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. So aaj hum dekhenge is university ka student reviews, so let's begin. अंबेडकर यूनिवर्सिटी और IGDTUW और यहाँ पर अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट है अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस कॉलेज से। तो आपका नाम क्या है और आप कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। तो आपके कॉलेज का पूरा नाम एक बार बताएं? अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आपका ब्रांच कौन सा है? डिज़ाइन, स्कूल ऑफ डिज़ाइन। मेरा नाम राधा सिंह है, मैं अभी यहाँ पे CSEI ब्रांच में हूँ, थर्ड ईयर बीटेक CSEI IGDTUW। So I'm Diya Sethi from third year CSE. So Nam Kumari, BTech CSAI, first year. Yashika, first year CSAI, BTech. Sanjana, BTech CSE AI, first year. Shob, CSAI, first year. So जैसे आप इस कॉलेज में आए थे तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था इस कॉलेज को देखकर? सो मेरा फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था एंड जब मैं सेकेंड ईयर में आई थी तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि मतलब आई परसीव लोगों से कि कॉलेज कैसा है, तो सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल थे एंड वही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन था कि काफ़ी फ्रेंडली सीनियर्स हैं, तो हम एक दूसरे को दीदी कहकर बुलाते हैं, तो एक फैमिली काइंड ऑफ रिलेशंस बन गए थे सीनियर्स से, तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर देन किसी और कॉलेजेस से, DTU वगैरह में जैसे मतलब उसके जितना अच्छा है, मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव नेचर के हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें अच्छी हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी कुछ चीज़ें नहीं सोचते, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है तो वैसे गवर्नमेंट कॉलेज है, बट ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो मतलब बिल्कुल खंडर सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, बट क्लासेस वगैरह तुम अगर क्लासेस में जाते हो तो क्लासेस भी फुल्ली मतलब AC कंडीशन वगैरह और फुल्ली सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्मार्ट क्लासेस वगैरह, मतलब कि प्रॉपर जो जो फैसिलिटी की जरूरत होती है वो सारी है, ठीक है। अगर हम क्लासेस से बाहर निकल के देखें तो कॉलेज में भी हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, इतना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे खेल भी सकते हैं, तुम्हें अगर कोई फेस्ट वगैरह की कोई प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी काफ़ी जगह हो जाती है, ऑडिटोरियम है जहाँ पे इतने मस्त मस्त प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। अच्छा था, मतलब मिक्स फीलिंग्स टाइप, सीनियर्स बहुत सपोर्टिव थे कॉलेज के, मतलब अच्छा था, बट काइंड ऑफ कैंपस छोटा है तो इतना अच्छा नहीं लगा था, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल है। सो आप लोगों के हिसाब से सीनियर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर है? ओके, सो अभी तक आपको इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी, तो इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा होता है?
या सो ऑन एन एवरेज, मतलब प्लेसमेंट नहीं, अभी मुझे इंटर्न्स का ज़्यादा पता है, तो ऑन एन एवरेज 50,000 टू 1 लाख की रेंज में इंटर्नशिप्स लगती हैं 2 मंथ्स की, एंड प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर में होती है हमारी, तो प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी है. लाइक सी एस ई में तो 100% रीच कर चुकी है प्लेसमेंट्स, एंड बाकी ब्रांचेज में भी देर इज अ ग्रेट इंटर लाइक प्लेसमेंट रेशियो. सो कौन कौन सी कंपनीज है जो विजिट करती है इस कॉलेज को? सो हर टाइप की कंपनीज विजिट करती हैं, फ्रॉम द बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टू मिडिल लेवल स्टार्टअप्स लाइक अर्बन कंपनी, ऊबर, हर कोई आता है कॉलेज. प्लेसमेंट्स इज लाइक जो एकदम जो क्रीमी ले जो क्रीमी पार्ट है जो आई जी डी टी डब्ल्यू का, वो उसका प्लेसमेंट ही है. एंड अगर आई जी डी टी डब्ल्यू में आए हो तो इतना पक्का है तो हमारी इंटर्नशिप के चांसेस 95% अबव है, और प्लेसमेंट के चांसेस भी 95% अबव है. ठीक है, अगर आई जी डी टी में आ गए, थोड़ी मेहनत कर ली, कोडिंग वगैरह थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो इंटर्नशिप भी पक्का बिल्कुल फैंग वगैरह में मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे. हाइएस्ट पैकेज ऑब्वियसली यहाँ पे अगर किसी को देखना है तो आई जी डी टी की साइट पर चले जाओ, वहाँ पे पूरा उसका प्लेसमेंट सेक्शन है, और वहाँ पे सारे इंटर्नशिप वगैरह लाइक इतने बच्चों को इतने लाख का पैकेज मिला, इतने बच्चों को इतने लाख का पैकेज मिला, सो दैट इज़ अमेजिंग. हाँ, आई जी के होता है यहाँ प्लेसमेंट्स, फ्लिपकार्ट अमेजोन्स पे होता है, जो बी टेक और एम टेक की लड़कियाँ हैं वो करते हैं, वो उनको लगता है प्लेसमेंट्स. प्लेसमेंट्स तो अच्छा है यहाँ का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100% प्लेसमेंट ऐसा कहते हैं कि लग जाती है, और प्लेसमेंट का मतलब ग्राफ जो है बढ़ ही रहा है हर ईयर के स्टूडेंट पे डिपेंड करता है अपने. हाँ, और इंडिविजुअली स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे होता है, उसकी स्टाइपेंड भी बहुत बढ़िया होता है. तो यहाँ पे मतलब कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती है, कुछ कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है? माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, एडोबी, अमेरिकन एक्सप्रेस भी आती है. सो मतलब जितनी भी बड़ी बिग एमएनसीज है वो यहाँ पे विजिट जरूर करती है. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे फेस्ट वगैरह होते हैं और यहाँ का माहौल कैसा है, सोसाइटीज वगैरह है, कल्चरल? देखो, अगर हम कॉलेज लाइफ की बात करें तो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, राइट? अगर आई जी डी टी में आ रहे हो, ठीक है, तुम आओगे इस लेवल से आओगे, शुरू शुरू में तुम इस लेवल पर हो, और यहाँ से निकलते वक्त तुम इस लेवल का ही ऊपर ही होगे, ठीक है. फेस्ट लाइक इतने सारी सोसाइटीज है, जिस फील्ड में जाना है, तुम्हें कोडिंग पसंद है तुम कोडिंग सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें डांस वगैरह पसंद है तुम डांस सोसाइटी ज्वाइन कर लो, तुम्हें एक्टिंग वगैरह पसंद है तुम उसमें चले जाओ, मॉडलिंग पसंद है उसमें चले जाओ. तो सोसाइटीज तो बहुत सारी और बहुत सारी अलग अलग फील्ड में है, ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड वगैरह नहीं होगा जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब मिलेगा तुम्हें, बस एक बार आ जाओ यहाँ पर. टाइप्स जैसे कि आर्ट की होगी, डांस की होगी, क्राफ्ट की होगी, एक्टिंग की होगी, ड्रामा की होगी, वैसे सब चीज़ें हो गई हैं. सो जैसे कि ये गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उनको सेफ्टी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आसपास का माहौल कैसा है? यहाँ पे आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कॉपरेशन लाइक मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, और थर्ड ईयर में बिंदास आती हूँ बिंदास जाती हूँ, ठीक है, मतलब मस्त है, ठीक है, कोई ऐसे कोई सेफ्टी इशू कुछ नहीं है, ठीक है, आराम से कॉलेज में आओ. गर्ल्स कॉलेज है, हर तरफ मतलब बिल्कुल अच्छे अच्छे लोग हैं. नहीं, देर इज़ अ लॉट ऑफ सेफ्टी इन एंड अराउंड कॉलेज, हमारे हर जगह गार्ड्स होते हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं. इवनिंग के वक्त थोड़ा सा सेफ नहीं है, मतलब 6 से 7 के बाद कोई सेफ नहीं है, बाकी ओवरऑल ओके, बट मंकीज से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को काट भी चुका है ये बंदर मंकी बाइट, तो ये कैंपस बोला जाए तो मंकीज से सेफ नहीं है, मंकी इज़ द मेन इशू. एक्चुअली यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बहुत क्लोज है, मतलब कि तो इतना कोई इशू बनता नहीं है, अगर आप कहीं और नहीं जाते हो, बहुत क्लोज है तो आराम से आ सकते हैं कॉलेज में. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जो नए बैचेस आने वाले हैं उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है? प्लेसमेंट अच्छी है, हर कोई इस कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आ रहा है, तो प्लेसमेंट ग्राफ हर ईयर बढ़ रहा है, तो यू कैन प्रेफर दिस कॉलेज. स्किल्स पे भी बहुत ज़्यादा, तो मतलब उनको जो अपने लिस्ट में इस कॉलेज को भरना चाहिए. एक चीज़ है यार, जेई मेन में थोड़ी अच्छी रैंकिंग ले आओ, ठीक है, कट ऑफ वगैरह क्लियर कर लेना. यहाँ पे कट ऑफ अगर किसी को जाननी हो तो आई जी रेडियो की कट ऑफ अगर नेट पे सिंपली सर्च कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन सी ईयर में कौन सी कट ऑफ थी और किस किस उसकी थी कैटेगरी की थी, तो जिस कैटेगरी में आप हो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ ले आओ, ठीक है, आई मीन उतने रैंक ले आओ, जेई मेन में रैंक ले आओ, और फिर जेई मेन में अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक वो आपकी हो रही है, फुलफिल हो रही है, आप उतनी रैंक ला रहे हो, तो आई जी डी टी में आ जाओ. यहाँ पे आने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे
करने के बाद बहुत चीज़ें मिल रही थी और मतलब एक्सपेक्टेशन इतनी है तो आपको मिलेगा इतना। या सो अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए एंड सेफ एनवायरनमेंट चाहिए तो दिस इज़ द परफेक्ट कॉलेज फॉर यू। थैंक यू।